ठीक है, ये जिमें अपने को जोग्राफिक या अमीबॉइड कन्फिगरेशन आ जूगी तो आप वर्गा यदा नेम दें। ठीक है, ये कहें कि जो आप स्टीरॉयड्स यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप स्टीरॉयड्स यूज़ करते हैं द यूज़ ऑफ स्टीरॉयड्स इन डेंड्रिटिक अल्सर हैसन्स द फॉर्मेशन ऑफ जोग्राफिक अल्सर। अगर आप डेंड्रिटिक अल्सर किसी को स्टीरॉयड्स देते तो जल्दी तो जल्दी वो ठीक नहीं होना, वो जोग्राफिकल अल्सर बन चुका। ठीक है ना, इस तो बाद ट्रीटमेंट पर आ जाए। ट्रीटमेंट के आप पता ही की होंगे, सब तो पहले तो आप एंटीवायरल ड्रग्स देवे, मैकेनिकल डिब्राइटमेंट करांगे, सिस्टैमिक एंटीवायरल ड्रग्स देवे, तो नॉन स्पेसिफिक सपोर्टिव थेरेपी। ठीक है, सब तो पहला आप देवे फर्स्ट चॉइस जी होंगी है, दैट इज़ एंटीवायरल ड्रग। ये आऊगा ए साइक्लो गुआइनोसिन, ए साइक्लोवीर 3% ऑइंटमेंट 5 times देवे, बस ए साइक्लोवीर याद कर ला तो 5 times देवे। तो लीस्ट टॉक्सिक है तो मोस्ट कॉमनली यूज है, तो इन आप यूज़ करते हैं फॉर हरपेटिक कैरेटाइटिस। गैन साइक्लोवीर ट्राई फ्लोरोथाइमिडीन एडिनिन अरेबिनोसाइड 3% ऑइंटमेंट 5 times a day तो 5 days वास्ते, ये भी 5 times a day। एक बार जो ठीक हो गया अल्सर फिर 3 times a day। मैकेनिकल डिब्राइडमेंट का की मतलब है कि जो अपना जो इनवॉल्व एरिया ना उस आप करते हैं, मतलब आपको पता है कि सपोज अगर तेरा इनवॉल्व एरिया ए है, ठीक है, तेरा इनवॉल्व एरिया ए है, तो ये अराउंड हील्ड एपिथीलियम ले आएगा, ठीक है, ताकि वो फैले ना वो चीज़। इनू कहें मैकेनिकल डिब्राइमेंट, मतलब ये तेरा इनवॉल्व एरिया ये अराउंड तू लैके आएगा हील्ड एपिथीलियम, मतलब जिहड़ी एपिथीलियम बिल्कुल ठीक है तू वो वाली एपिथीलियम लैके आएगा। ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ है कि रिम ऑफ सराउंडिंग हेल्दी एपिथीलियम विद द हेल्प ऑफ स्टराइल कॉटन एप्लीकेटर अंडर मैग्नीफिकेशन हेल्प्स रिमूविंग द वायरस लेडन सेल्स। ठीक है, यही है बस। ठीक है, रेजिस्टेंस केसेस वास्ते आप यूज़ करते हैं जोड़े एंटीवायरल ड्रग्स के, बेसिकली आप कोई ट्रीटमेंट शो नहीं करते। सिस्टैमिक एंटीवायरल तो किवें याद रखेंगे कि आप 3 हफ्तों तक दें, ठीक है, 3 हफ्तों तक दें। तो सिस्टैमिक आप कोई भी चीज़ उदों दें जो कोई भी चीज़ दोबारा होने के चांसिस होंगे, मतलब आप सिस्टैमिकली लाइक दे रहे हैं, लाइक बॉडी दे रहे हैं। तो ये ए साइक्लोवीर है, फैम साइक्लोवीर है, वैल साइक्लोवीर है। ठीक है ना, ऑइंटमेंट सी पहला तो नॉर्मल ऑइंटमेंट लगाने वास्ते, बट सिस्टैमिक वाली ये लोकल सी, ये सिस्टैमिक मतलब आप खाने वास्ते दे रहे हैं। तो नॉन स्पेसिफिक वाली होगी जिवें फिजिकल या जनरल मेजर्स हो गए। स्ट्रोमल कैरेटाइटिस दे विच तैनूं पता ही है डिस्कीफॉर्म कैरेटाइटिस होंदा, ये डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह तो होंदा। ठीक है, अपने को एंडोथीलियाइटिस होंदा प्राइमरीली, तो मतलब तेनों पता कि लास्ट लेयर जी होंगी एंडोथीलियम होंगी है, सब तो पहला तो एंडोथीलियाइटिस ही होंगे, लेकिन हौली हौली अपने को ले हो जाता है अपने को एक्वस ह्यूमर की इम्बाइबेशन, मतलब अपना जोड़ा वो होंगे बेसिकली उस बार बार एक्वस ह्यूमर भरना शुरू हो जाता है, एंड वजह तो अपने को होंगे कि स्ट्रोमा तक गल पहुँच जाती है। तो एंडोथीलियल डैमेज, एंडोथीलियल डैमेज तो बाद डिस्कीफॉर्म कॉर्नियल स्ट्रोमल एडीमा हो जाता है, मतलब तो समझ रहा ना कि हो रहा कि पहला तो अपने को एंडोथीलियम दे विच सारी जिहड़ी है भर गई, ठीक है, एंडोथीलियम दे विच डैमेज हो गया, लेकिन फिर उस तो बाद क्या होया कि एक्वस ह्यूमर अंदर आई गया अंदर आई गया अंदर आई गया, तो कॉर्निया की जिहड़ी स्ट्रोमा वाली लेयर सी उहदे विच भी अपने को एडीमा हो गया। ठीक है, उहदे विच भी एडीमा हो गया। तो सिम्पटम्स देखे दे विच फोटोफोबिया, माइल्ड टू मॉडरेट ओक्यूलर डिसकंफर्ट, रिडक्शन इन विजुअल एक्विटी। ठीक है, तो पता ही है साइंस, साइंस तुम्हें पता है कि फोकल डिस्क शेप पैच बनूगा विदाउट नेक्रोसिस। ठीक है, आ देख अपने को डिस्क शेप पैच बनूगा, स्ट्रोमल एडीमा तो होएगा ही, तो कोई नेक्रोसिस नहीं होएगी, एपिथीलियम तो कुछ नहीं होया, गल एंडोथीलियम की हो रही है इतने, तो फोल्ड्स इन डेसमेंट मैमब्रेन और आफ्टर परसेंट। ठीक है, कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स, कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स मतलब कॉर्निया के प्रेसिपिटेट्स अपने को पे होंगे। ठीक है, कॉर्निया दे प्रेसिपिटेट्स अपने को पे होंगे अंडर दी राउंड एरिया ऑफ स्ट्रोमल एडीमा, अंडर दी राउंड एरिया ऑफ स्ट्रोमल एडीमा। इस तो बाद देखा अपने को रिंग ऑफ स्ट्रोमल इनफिल्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, वेसलीज इम्यून रिंग, ये ना फंगल कॉर्नियल अल्सर च भी बनती है, तो ये इस भी बनती है फंगल च भी बनती है। मैं तुम्हें ये दसना सी कि जिते भी वेसली का मतलब आ गया उत्थे तेनों एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लैक्स याद आना चाहिए, की याद आना चाहिए, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लैक्स।
ठीक है ना। हुण इहदे विच देख सराउंडिंग दी स्ट्रोमल एडीमा जंक्शन बिटवीन वायरल एंटीजन एंड होस्ट एंटीबॉडी। कॉर्नियल सेंसेशन चली जाऊगी मतलब कॉर्नियल रिफ्लैक्स एबसेंट। इंट्राओक्युलर प्रेशर वध सकदा मतलब कि अपने कोले ग्लोकोमा हो सकता है। इंपॉर्टेंट नोट यही है कि एक्टिव स्टेज दे विच अपने कोले डिमिनिश्ड कॉर्नियल सेंसेशन ते कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स आर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। ट्रीटमेंट की है टॉपिकल स्टीरॉयड ते एंटीवायरल एसाइक्लोवीर याद रखने। तो जो डिस्किफॉर्म प्रेजेंट है विद इनफेक्टेड अल्सर तो आप एंटीवायरल ड्रग्स पहले देवे। जो अपने को इनफेक्टेड एपिथीलियल अल्सर भी है वैसे पहले तो आप कह सी कि कला एपिथीलियम मोस्टली इनवॉल्व नहीं होंगे बट ये अगर इनफेक्टेड एपिथीलियल अल्सर भी है तो आप एंटीवायरल ड्रग्स पहला स्टार्ट करेंगे 5 to 7 days बिफोर स्टीरॉयड्स ते नॉन स्पेसिफिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट देवे। उस तो बाद अपने को आ गया स्ट्रोमल नेक्रोटिक कैरेटाइटिस। नाम तो पता चल जाता है स्ट्रोमल ते नेक्रोसिस भी होगी। पहले वाले कोई नेक्रोसिस नहीं हो रही थी तो ये देख अपने को इंटरस्टीशियल कैरेटाइटिस है। इट्स एक्टिव वायरल इनवेजन है ते टिश्यू डिस्ट्रक्शन।